जोहार दोस्तों, मुंडारी न्यूज जगत पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस चैनल के द्वारा हमेशा आदिवासी से जुड़े हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े न्यूज को शेयर करते रहता हूँ और उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर है, यानी कि आप सभी को पता है कि आने वाले अगस्त महीने में आदिवासियों का सबसे बड़ा दिन यानी कि विश्व आदिवासी दिवस आने वाला है, जो कि 9 अगस्त को है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर है कि आदिवासी दिवस मनाने से हमें क्या फायदा हो सकता है, जबकि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आदिवासी दिवस क्या है और यह 9 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगी या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, यानी कि इस दिन सभी लोग अपने समाज अपने संस्कृति के साथ जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस मनाने से हमें यानी कि क्या फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले बात करें कि जिस तरह से आदिवासी अपने एक अलग धर्म की मांग कर रहे हैं, यानी कि आदिवासी को आजादी के बाद जनगणना के बाद उन्हें अपना धर्म नहीं मिला, यानी कि आदिवासी को हिंदू धर्म में जोड़ा जा रहा है और तब से लेकर अभी तक आदिवासी अपने अलग धर्म की मांग पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर हम आदिवासी दिवस हर साल पूरे जोर शोर से पूरे जोश के साथ मनाते हैं तो दोस्तों शायद ये हो सकता है कि हमें अपना अलग धर्म जिसके लिए हम मांग कर रहे हैं वो हमें बहुत ही जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं दूसरे रीजन के ऊपर कि आदिवासी दिवस अगर हम मनाते हैं तो हमें दूसरा क्या फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बाकी जितने भी धर्मों के जितने भी फेस्टिवल हो, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, उस पर उन्हें सरकारी छुट्टी मिलती है, उसी तरह अगर हम आदिवासी दिवस हर साल मनाते हैं तो हमारे भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट में भी इस दिन को शायद सरकारी छुट्टी घोषित कर दिया जाए। तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि इस दिन को अगर सरकारी छुट्टी घोषित कर दिया जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं तीसरे रीजन के ऊपर। तो जैसे कि दोस्तों, आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले यानी कि कुछ महीने पहले दिल्ली में 2021 के जनगणना में सरना कोड के लेकर बहुत बड़ी एक जंतर मंतर में आंदोलन हुआ था, यानी कि एक कहा जाए तो धरना यानी कि प्रदर्शन हुआ था। अगर हम विश्व आदिवासी दिवस को हर साल विश्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं तो शायद ये हो सकता है कि हमें हमारा सरना कोड यानी कि जिस तरह से बाकी धर्मों का कोड होता है उसी तरह से हमारे आदिवासियों का एक सरना कोड है तो वो कोड हमें मिल सकता है। और अगर आपको सरना कोड के बारे में भी जानकारी चाहिए तो उसके ऊपर भी मेरी वीडियो एक बनी हुई है, आप उस वीडियो को ऊपर आई बटन से जाकर देख सकते हैं। यह हमें तीसरा सबसे बड़ा फायदा हो सकता है दोस्तों कि अगर हम विश्व आदिवासी दिवस को हर साल मनाते हैं तो ये हो सकता है कि हमें हमारा अपना सरना कोड मिल जाए, जिससे क्या होगा, इसके फायदे क्या होंगे कि हमें जनगणना में दूसरे धर्मों के कोडों पर या फिर जब हमें सरकारी नौकरी या फिर स्कूल में एडमिशन के समय हमें दूसरे धर्मों पर टिक नहीं करना होगा, यानी कि हमें अपना धर्म और कोड दोनों मिल सकता है विश्व आदिवासी दिवस मनाने से। चलिए बात करते हैं अब चौथे रीजन के ऊपर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब भी कोई धर्म, चाहे वो आदिवासी हो या किसी भी धर्म के लोग, जब कोई पर्व या त्योहार को मनाते हैं तो वे उस दिन अपनी संस्कृति कल्चर अपने जितने भी पुरानी सभ्यता को याद करते हैं। उसी तरह अगर आदिवासी अपने विश्व आदिवासी दिवस के दिन यानी कि 9 अगस्त के दिन अगर आदिवासी दिवस मनाते हैं तो ये हो सकता है कि वे उस दिन अपनी संस्कृति सभ्यता को याद करें। साथ ही साथ आप सभी को पता है कि आदिवासी से जुड़े कई सारे गीत हैं, उसके साथ साथ कई सारे नृत्य हैं, तो शायद ये हो सकता है कि इस दिन आदिवासी दिवस को मनाने से एक दिन आदिवासियों के पास ऐसा हो सकता है कि जिस दिन वे अपने पुराने सभ्यता को याद कर सके, आदिवासी गीतों को गा सके, साथ ही साथ वे अपने समाज के साथ मिलकर वो पुरानी नृत्य को भी कर सकते हैं। तो ये फायदा हमें हो सकता है कि आदिवासी दिवस मनाने से हम अपनी संस्कृति को हमेशा सिक्योर करके रख सकते। तो दोस्तों, ये थे वो चार रीजन जो मैंने आपको बताया कि विश्व आदिवासी दिवस मनाने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जोहार दोस्तों।